देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 लगाने की वकालत की है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि मोदी सरकार के 5 अगस्त साल 2019 के असंवैधानिक फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। बता दें कि सूबे की पूर्व सीएम महबूबा की रिहाई के साथ ही अनुच्छेद 370 का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। चिदंबरम ने अनुच्छेद 370 हटाने को गलत करार देते हुए ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की क्षेत्रीय पार्टियों का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ आना ऐसा घटनाक्रम है जिसका सभी लोगों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। चिदंबरम ने ये भी कहा कि कांग्रेस एक बार फिर से धारा 370 बहाल करने को लेकर दृढ़ है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और चिदंबरम कहते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि अनुच्छेद 370 वापस हो जाए। बता दें कि पूर्व मंत्री के इस ट्वीट के फौरन बाद बीजेपी नेताओं ने उन पर पलटवार किया। वहीं सोशल मीडिया पर भी चिदंबरम लोगों के गुस्से का शिकार बने। सूबे के पूर्व सीएम की रिहाई के बाद शुक्रवार को जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने बैठक की थी। वहां भी सभी ने एक सुर में केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना की थी। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र शोर से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।